पहले मुझे ये बता दो, नेगेटिव वीडियो बनाओगी पॉजिटिव बनाओगी? अरे आपने ना एक वीडियो में बोला डॉलर की चाय वाले हैं वो इंस्पिरेशन है, तेरे से ज्यादा कमा रहा है। और जो भाई रोस्ट रोस्ट करके जो लोग वीडियो डालते हैं उनके बारे में क्या बोलना चाहोगे? बनाओ भाई, मैं आपको भी ट्रोल कर रहा है कि थोड़ा सा नोटिंग की ज्यादा करते हैं वो, थोड़ा सा काम वाम कम करते हैं। उसी से तो पैसा कमा रहा है मेरा भाई, मेरी वीडियो क्यों उठाई उसने? क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ मनी का एक घंटे वेट करेगी, मर नहीं जाएगा। हाँ। इतनी ज्यादा भीड़ मैंने भाई वड़ा पाव के लिए दिल्ली में कभी नहीं देखी है। 650 किलोमीटर से सुल्तानपुर से। अच्छा, यूपी के सुल्तानपुर जिला से आए? अरे वाह, पाव वड़ा पाव, वड़ा पाव भाई दिल्ली में वड़ा पाव के अलावा कुछ नहीं बिक रहा। मैं पूरा दिल्ली से आया हूं, जाऊं स्पेशली वड़ा पाव खाने। जिससे भी पूछा हर कोई एक ही चीज बोलता है कि यार यहाँ से लेके वहाँ तक है ना मक्खी भी नहीं। हम उस फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ हमको सिखाया जाता है कि जितनी भूख हो उससे एक रोटी कम खाओ। मेरा नाम लेना बंद करो, छोले कुलचे के साथ मेरा नाम ऐड हो रहा है, सबके बिरयानी के साथ मेरा नाम ऐड हो रहा है, मोमोज के साथ मेरा। अरे मैं तो ये बिजनेस ही नहीं कर रही हूँ भाई, 2 साल लगे मुझे दिल्ली वालों को समझाने में। वड़ा पाव क्या है? वड़ा वड़ा मीन्स सांभर वड़ा। दीदी सांभर का है? मैंने कहा भाई कोई बड़ा नहीं है, दूसरा। 2 साल लगे भाई, 2 साल। पहले मुझे ये बता दो, नेगेटिव वीडियो बनाओगी पॉजिटिव बनाओगी? पॉजिटिव बना रहे हैं, पॉजिटिव भी बनाएंगे। लोग यहाँ पे मेरा टाइम भी लेते हैं, मेरी एनर्जी भी लेते हैं, जाके नेगेटिव तो ये तो अच्छी बात है ना। अच्छा, नेगेटिव भी कोई कर रहा है तो वीडियो में तो अच्छा है आता है। बड़ा पाव आपके आने से पहले 3 कर चुके हैं। तो अच्छी बात है, मैं मोनी के साथ पिक्चर क्लिक करवाता हूं। लोग मुझे क्यों एटीट्यूड बोलते मुझे समझ में नहीं। अच्छा चंद्रिका जी, आपने ना एक वीडियो में बोला डॉलर की चाय वाले हैं वो इंस्पिरेशन है, उसके बारे में थोड़ा इंस्पिरेशन इसलिए बोला मेरे भाई कि आज से 2 साल पहले या जो भी टाइम है उनको छपरी प्रनाउंस किया जाता करते थे। छपरी है यार, कैसे चाय देता है? आज वो बंदा दुबई बैठा है, किसकी वजह से? टैलेंट है, चाय तो दुनिया बेच रही है मेरे भाई। कुछ यूनिक दिखाया, मेहनत करी। वो ये जब चाय या गरम गरम लगता है, ये जब कुछ होता है, ये नहीं दिखती दुनिया, ये नहीं दिखता। उस बच्चे के आपने इतने वीडियो बनाए, कभी उस बच्चे का हाथ देखा आपने? पूरा जला हुआ था। अब वो देखो ना यार, वो मुझे दिखता है। 12 साल वाले बच्चे की कहानी बता रहे हैं, पर उसको तो इंस्पिरेशन इसलिए बोली क्योंकि उन्होंने भी बहुत चीज बर्दाश्त करी। चाय डोली चाय लगा, तेरे से ज्यादा कमा रहा है तू, तेरे से ज्यादा कमा रहा है। लोग यहाँ तक कह रहे हैं इसके घर के नीचे ऑडी खड़ी है, लोग मेरे से तुलना करते हैं। मेरी जिंदगी एक बार जी के तो देखो यार, 6 महीने की बच्ची से माँ बाप छिन जाना, रिश्तेदारों में पलना, आपको पता है रिश्तेदार कितने अच्छे होते हैं। फिर अच्छा चंद्रिका जी, आपको नहीं लगता कि अभी लोकसभा का चुनाव आने वाला है तो आपके जिस तरीके से फैन फॉलोइंग बढ़ रही है, आपको इलेक्शन में भी लड़ लेना चाहिए और मे बी आप जीत भी जाओ? सीधा काफी फैन फॉलोइंग आपकी बढ़ रही है, लोग बाग आ रखे हैं, और ये जैसे अगर आप चुनाव लड़ो तो जीत भी जाओ, सीधा एमपी बन जाओगे। मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, मैं कहीं भी नहीं जा सकती भाई, मेरा सुकून मेरा ये है, ठीक है। मैं आज लोग कहते हैं ना होटल क्यों नहीं, मेरी मैं इस पे आती हूँ ना, एक अजीब सी पावर आती है, पता नहीं, डोंट नो। अभी मैं घर पे थी, मेरा माइंड बहुत खराब हो रखा था, मैं यश को कह रही थी बच्चा देखूं, बिजनेस देखूं, क्या क्या देखूं, क्या लोग गलत बोल रहे हैं वो देखूं, क्या देखूं, ये आईना सिर्फ मेरे को काम कर रहा है। चंद्रिका जी, आपने ट्रॉल के बारे में बोला, लक्ष्य चौधरी का नाम सुना आपने? लक्ष्य चौधरी, महेश केसवाला, खगेश क्रिएटर करते हैं वो, उन्होंने आपके बारे में अभी अभी मेरे हार्दिक पांडे की तारीफ होती थी उसको लोग छपरी बोल रहे हैं। जो आप छपरी के बारे में बताया, मतलब जो आपने बोला की छपरी बोलते थे, उन्होंने रोस्ट करते हैं आपको भी ट्रोल करा की थोड़ा सा नोटिंग की ज्यादा करते हैं वो, थोड़ा सा काम वाम कम करते हैं, ऐसे उन्होंने पोस्ट करा। नहीं नहीं मुझे नहीं दिख रही है, वो बता रहे हैं आपका मेरे भाई, वो आया नहीं ना अभी तक यहाँ पर, उनकी वीडियो पे मिलियंस में व्यूज है। तो अच्छी, उसी से तो पैसा कमा रहा है मेरा भाई, मेरी वीडियो क्यों उठाई उसने? क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ मनी। आज मैं आज से 2 साल पहले मुझे नहीं लगता था कि मनी मैटर करती है, बट जब मेरे बच्चे के लिए 2000 रुपए नहीं थे, मैंने अपने रिश्तेदारों से मांगे थे भाई, नहीं थे, कंपनी से मांगे, 15 दिन पेमेंट होल्ड मार दी थी मेरी, मजबूरी में महावीर लेके गई, महावीर में कहा 1 घंटे वेट करेगी, मर नहीं जाएगा। उस दिन से मैंने ठान लिया पैसा कमाना है।
चलो ठीक है अंकल जी, थैंक यू। कैसा लगा भाई, कैसा लगा? बढ़िया है भाई, देखा इंसान बोल के गया, सबका खाया आपका बेस्ट। मुझे बोलने की नीड नहीं है मेरे भाई। मासी, सबसे पहले वो भैया खड़े हुए हैं, गाड़ी से नहीं उतर सकते, उनको देखे आप ही क्या कर रही हो मेरे भाई? लीजिए, अच्छा 10 रुपए दे देना मासी। हम भी तो खा के टेस्ट करके बताएंगे। दो पैक तो मैं प्लेट में देती हूँ ना। दे रही हूँ मासी, एक सेकंड बना देते हैं। पीछे हाँ, इधर ही आ जाना, पीछे मिलता है भाई। मासी इधर क्या है भैया का? दो खाने के लिए, ये दो भाई। ये लालच से चीज क्या है? ये काठी मसाला है मेरे भाई। काठी मसाला लीजिए भाई, दो बटर कर देना। बेटा ये 50 रुपए किसको देने थे मैंने? कितने पैक करवाने? 14। ठीक है, लगाओ बेटा, ये लगाओ। दो खाने के बटर दो बेटा, नौ किलो खाने को। 30 तारीख को बेटे का बर्थडे है और लंगर कर रही हूँ उस दिन, पूजा पाठ भी करूंगी और आप लोग पूरी फैमिली है, सभी लोगों को मोस्ट इनवाइटेड है, सब आइए और आशीर्वाद लेके आइए। उस दिन पैसे लेके नहीं आना। टाइमिंग्स क्या रहेगी वो सब कल मैं अपनी आईडी पे मेंशन करूंगी। कल अपनी आईडी पे मेंशन करेंगे जी। सारी चीजें होने के बाद कैसा लग रहा बताओ भाई? बहुत भीड़ थी, कम से कम आधे घंटे में नंबर आया है। इतनी ज्यादा भीड़ मैंने भाई वड़ा पाव के लिए दिल्ली में कभी नहीं देखी है, और ये साइज भी हिसाब से काफी ठीक है। टेस्ट करके बताओ मालिक कैसा लग रहा है। मैं एक बार अंदर से देख लेता हूँ क्या क्या चीज है इसके अंदर भाई। इसमें पाव है, ये मिर्च है, और ये लाल का लाल सा पाउडर। मैंने पूछा नाम मेरे को याद नहीं है, उन्होंने कोई बात नहीं था मेरे को। अभी मैं वीडियो में देख के बताऊंगा आपको क्या था। स्वाद कैसा लग रहा है ये बताओ, जो लोग यहाँ आ रखे हैं दूर से। हाँ देख रहे हो दीवानगी कैसी है। आना तो जरूर चाहिए आपको, बिल्कुल जरूर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों की भीड़ है। और आपको एक के बाद एक वीडियो में आपको देखा ही होगा, वड़ा पाव वड़ा पाव वड़ा पाव भाई। दिल्ली में वड़ा पाव के अलावा कुछ नहीं बिकरा। टेस्ट करके बताओ भाजी किस तरीके का हो रहा है। अब जो लोग बॉम्बे से वीडियो देख रहे हैं, जो लोग मान लीजिए मध्य प्रदेश से वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों को क्या बोलना चाहोगे? भाई मैंने मीठे भाई कॉलेज के आसपास एक आनंद स्टॉल करके है, ठीक है, वहाँ पे भी खाया मैंने। कॉलेज बंक करके गए होगे इसलिए खाया होगा मजा क्या? मैं तो दिल्ली का रहने वाला हूँ। अच्छा, घूमने के लिए गया था अपने दोस्त के साथ, आप ही के साथ तो गया था मैं, वहाँ पे ट्रेन पे गया था मैं, ठीक है, बता रहे हैं आपको पता नहीं है। लेकिन वहाँ पे भी बहुत अच्छा वड़ा पाव था, जो कि फेमस है पूरी मुंबई में, वन ऑफ द बेस्ट वहाँ पे है। एक अशोक भाई है वहाँ पे भी काफी अच्छा, तो उनके कंपेरेटिव कर तो अच्छा ही है, बहुत अच्छा है। जनरली इनको कहे ना बन काफी सॉफ्ट है, अगर आपको लगे ना सिर्फ हाइप की चंद्रिका जी की वजह से, जो लोग आए हैं चंद्रिका जी की वजह से आए हैं नो डाउट, लेकिन वो अगर वो रिटेन होते हैं ना, दोबारा आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, जो एक बार आए आप एक सेलिब्रिटी से मिल लिए, अगर वो अभी इंटरनेट सेलिब्रिटी है, एक बार मिल लिया आप, लेकिन दोबारा क्यों आओगे? दो बार तीन बार आ जाओगे, लेकिन एक बंदा मेरे को बता रहा है कि वो 6ठी बार आ रहा है, कोई 7वीं बार आ रहा है, कोई 10वीं बार आ रहा है, तो टेस्ट की वजह से आ रहा है। आप टेस्ट से ही होल्ड कर सकते हो, टेस्ट से यूज कर सकते हो, क्योंकि जो एक बार मिर्च है, मैं एक बार वो टेस्ट करके देख लेता हूँ कि कैसी है। हाँ, इसे चॉकलेट कहा जाता है भाई, चॉकलेट टेस्ट करके बताओ किस तरीके का हो रहा है। तीखी लग रही है, देख के लग रहा है कि तीखी होगी यार ये। अच्छी है, अच्छी है, अच्छी लग रही है, बिल्कुल अच्छी लग रही है भाई। तो बॉम्बे वाले को, बॉम्बे वाले जो लोग हैं उनको बोलोगे ना पर्सनली, भैया जहाज से अपना बुक करके आओ और यहाँ खा के जाओ भाई। अगर इस तरफ से आ रहे हो तो जरूर खा लेना एक बार आके, कि भाई तुम्हारा जो तुम्हारे स्टेट के अलावा किसी स्टेट में कैसा बिक रहा है एक बार तुम्हें पता होना चाहिए। कि और जो भाई रोस्ट रोस्ट करके जो लोग वीडियो डालते हैं उनके बारे में क्या बोलना चाहोगे? बनाओ भाई, बनानी चाहिए, बनानी चाहिए, क्योंकि इससे पॉपुलैरिटी बढ़ती है यार। कोई गलत बात नहीं भाई, देखो जैसे उन्होंने कहा कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और जो बना रहे अच्छे बना रहे, वो अच्छे अच्छे क्रिएटर है, वो अच्छे बना रहे। अगर आप सिर्फ ट्रोल इस चीज़ पे करते हो ना कि भाई खाना खाने के ऊपर ट्रोल करते हो आप किसी भी, जो अगर वो ज्यादा मीन नहीं है ना तो ट्रोल करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर ट्रोल करना ट्रोल वही होता है जिसको जब पॉपुलैरिटी हाई पे होता है, उनको भी पता है कि इनका नाम लाल के इनका फेस डाल के ज्यादा व्यूज आ रहे आने चाहिए। हम भी कर देंगे यार कभी, अगली बार दोबारा आए 3-4 बार उनसे बातचीत अच्छी हो जाएगी, थोड़ा सा व्यवहार अच्छा बन जाएगा, तो हम भी कर देंगे एक बार आके उनसे परमिशन लेके भाई हम कर लेते हैं, कोई गलत बात नहीं है। 650 किलोमीटर से सुल्तानपुर से। अच्छा, यूपी के सुल्तानपुर जिला से आए, अरे वाह। तो कैसा लगा आपको टेस्ट ओवरऑल बताओ? बहुत बढ़िया था, मतलब मैं यहाँ 5वीं बार आया हूँ, जितनी बार मुझे छुट्टी मिली है उतनी बार मैंने यहाँ बड़ा पाव खाया। आज मैंने पाव भाजी भी ट्राई करी है, पाव भाजी भी बहुत अच्छी थी, और बड़ा पाव मतलब मैं यहाँ सबसे पहले आया तो बड़ा पाव खाने से पहले मैंने ये जानकारी जाननी चाहिए कि वास्तव में यहाँ बड़ा पाव इससे पहले कोई और भी देता था। पता चला कि
इससे पहले यहाँ कोई भी नहीं था, बिल्कुल सुनसान जगह थी। और जो लोग सुल्तानपुर से मेरी वीडियो देख रहे हैं या जो लोग भाई सुल्तानपुर वाले वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों को क्या बोलना चाहोगे सुल्तानपुर वाले भाइयों को? जरूर सुल्तानपुर वालों को बोलेंगे, जो भी आपकी वीडियो देख रहे हैं आपके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपके चैनल को और आगे बढ़ाए। भाई देखो सबसे मेरे बड़े पापा है, ये भी सुल्तानपुर से आए हैं, तो सबसे बड़ी देखो सबसे बढ़िया बात ये लगी कि भाई ने अपने खुद से बता दिया। कई लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो बोला होगा कि भाई जबरदस्ती की तारीफ करवा दे, बाजी ने अपने खुद से तारीफ करी। नहीं नहीं, दिल से तारीफ, दिल से भाई ने बोला कि भाई चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। बिल्कुल बिल्कुल लाइक, और भाई को भी सपोर्ट उतना ही करो जितना भाई मुझे सपोर्ट कर रहा हूँ। अब मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ किस तरीके का टेस्ट हो रहा भाई। आपको कैसा लगा प्रिंस भाई, बताओ? भाई देखो हमने तो, मैं तो आपको साफ बताऊं भाई, हम लोग है बिहार के आदमी, यह हमारे घर में भुंजा बनता है या लिट्टी उट्टी खाने की आदत है, पूरी सब्जी बाहर का मैंने खा रखा। मैं ये नहीं कह रहा बाहर की चीजें और भी खा रखी है, लेकिन भाई जिस तरीके से मैंने खाया ना और जिस तरीके से लोगों ने बता रखा था भाई, सच में टेस्ट है। जिस तरीके से भैया ट्रेंड में चल रहे हैं ना सोशल मीडिया पर, कोई भी भाई अच्छे अच्छे मीडिया वाले आ रखे हैं, अच्छे अच्छे न्यूज चैनल वाले आ रहे हैं और सारे हम फूड ब्लॉगर, मैं अपना नहीं कह रहा, सारे फूड ब्लॉगर आ रखे हैं दीदी के पास। और दीदी ने एक खास अनाउंसमेंट कर रखी कि 30 तारीख को ना भैया यहाँ फ्री में मिलने वाला है। जो टाइमिंग रहेगी, सारी चीजें रहेगी, इनका खुद का पर्सनल इंस्टाग्राम का चैनल है, उसको आप फॉलो कर लो, उन पे सारी चीजों का आपको आ जाएगा। बट मैंने जो टेस्ट करके बताया रियली दिल से बता रहा हूँ भाई, अच्छा है, जेन्युइन जो टेस्ट होता है ना, अगर रेटिंग देने की बारी आएगी तो 10 में से 8 दूंगा और सही में समा धमाल है।